नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में कल हमने एक सेशन देखा जिसमें गोल्ड में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और उसके बाद से कंटिन्यूसली पूरे दिन इसमें हमने सेलिंग होती हुई देखी। आइए थोड़ा मैं आपको चार्ट्स पे लेकर चलता हूँ तो वहाँ पर आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ गोल्ड ओपन हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग थी, गोल्ड ने एक करेक्शन दिखानी शुरू करी और ये पूरे दिन एक करेक्शन दिखाता रहा और मार्केट में इवनिंग सेशन के आसपास इसमें एक रिकवरी आनी शुरू हुई और गोल्ड जो था वो वहाँ से काफ़ी अच्छे से रिकवर कर गया। इसने 46,600 के नीचे का एक लो मारा था, 47,000 के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दिखा दी वापस, पर जो इसकी क्लोजिंग थी वो भी अपने हाई से करीब करीब 300-350 पॉइंट के नीचे की हुई है। अब इसमें कुछ इस तरीके का एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि गोल्ड अपने हायर लेवल्स पे जो 48,000 था, 47,600 का, जैसे इसने 680 का इसने यहाँ पर एक हाई लगाया था, तो यहाँ के लेवल्स पे इसमें एक सेलिंग देखी गई थी और उस सेलिंग इसे अपने हाई से 1,000 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे ले आई है। और उसके बाद इसमें ये थोड़ा सा हमने ये बाउंस देखा है। अब बाउंस सस्टेन करता या नहीं करता उसके लिए हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइम इंटरनेशनल मार्केट में 1730-31 के अराउंड ये गोल्ड जो है वो ट्रेड कर रहा है और इसमें उन लेवल्स पे, और हम एक सेलिंग भी देख सकते हैं, मतलब सेलिंग प्रेशर ज़रूर देख रहे हैं, कि सेलिंग प्रेशर का मतलब कि रेजिस्टेंस ज़रूर वहाँ पर हम बनता हुआ देख रहे हैं और वहाँ से इसमें वापस एक डाउनसाइड हम देख सकते हैं। तो अब इंडियन मार्केट में हमें कौन से लेवल पे ध्यान देना है MCX पे, वो है 47,296। ये लेवल है जिसे अगर ये ब्रेक करता है तो ही इसमें और थोड़ी सी हमें कंफर्मेशन मिल पाएगी कि गोल्ड जो है वो ऊपर की साइड जाएगा। अदरवाइज़ ये वापस यहीं पर आकर एक सेलिंग प्रेशर इसमें फिर से बनेगा और गोल्ड जो है वो डाउन साइड में ही वापस चला जाएगा। जो ये इस तरीके का एक ट्रेंड बना है, ये इसमें ये बाउंस आया है, ठीक है, ये इस तरीके का एक ट्रेंड बनता है। अभी थोड़ा सा और ऊपर जाके शायद फिर से वापस ऐसा आएगा और ये जो इसका ये वाला जो लो था इसे भी ब्रेक करने की ये कोशिश करेगा, रीटेस्ट करेगा ये इस लेवल को, तो यहाँ से हम वापस एक सेलिंग आती हुई देख सकते हैं। चांसेस ये हैं कि गोल्ड जो है थोड़ा सा ऊपर ज़रूर खुलेगा, पर 300 आप समझ लीजिए, 47,300 का लेवल ये ब्रेक करता है नहीं करता वो हमें ज़रूर देखना होगा। 47,300 का लेवल यहाँ हमें नज़र आएगा, ये लेवल हमें देखना होगा कि ये इस लेवल को ब्रेक करता है या नहीं करता। अभी फ़िलहाल 1731 पे चल रहा है, थोड़ी सी और तेज़ी इसमें हम देख सकते हैं कि शायद वहाँ पर थोड़ी सी और तेज़ी इसमें आ सकती है। तो और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप एक चीज़ और ध्यान में रखना कि यहाँ पर आपका सिर्फ स्टॉप लॉस होना चाहिए, मार्केट में बाइंग नहीं होनी चाहिए। ये बाइंग का लेवल नहीं है, सिर्फ स्टॉप लॉस का लेवल आप इसे मान सकते हैं, और वो भी अगर ये अपने आप को थोड़ा सा ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर लगा और एकदम से नीचे आना शुरू हो गया, ये इन लेवल्स के ऊपर अगर ये सस्टेन करने की थोड़ी देर कोशिश करता है तो ही आप समझिए कि इसमें अब इस जो सपोर्ट है वही से मिल चुका है और गोल्ड के अब थोड़े से और अपसाइड हम ट्रेंड देख सकते हैं। और नीचे में मैं आपको बताता हूँ कि 46,900 का लेवल अगर ये नीचे में ब्रेक करता है तो इसमें सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है। वो सेलिंग के लेवल फिर हम देख रहे हैं कि 46,725 पे इसे नेक्स्ट सपोर्ट मिल रहा है और अल्टीमेटली जो इसका जो अगला जो सपोर्ट है वो कल का लो लेवल रहेगा, 46,580 के अराउंड इसे फिर एक सपोर्ट मिल रहा है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे नीचे की साइड में, जहाँ जहाँ इसे सपोर्ट मिल रहा है। पर अगर सेलिंग आती है तो सेलिंग कंटिन्यू रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। देखना होगा कि रुपी कहाँ खुलता है डॉलर के अगेंस्ट, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट गोल्ड पे पड़ता है। अगर उसने थोड़ी वीकनेस दिखाने की कोशिश करी गोल्ड के प्राइसेस में तो गोल्ड का प्राइस हम मान सकते हैं कि कल के लो लेवल को फिर से टेस्ट करेगा आज ही। तो ये कुछ मैंने अभी आपको लेवल्स बताने थे, कुछ क्लियर इंडिकेशन अभी इन कमोडिटीज़ में इसलिए नहीं है क्योंकि
जिस तरीके की डाउनसाइड कल देखी गई है उसमें एक रिकवरी हमने देखी है। अब वो रिकवरी इन्हें रेंज में रखती है, ऊपर की तरफ ले जाती है, तो कुछ लेवल्स हमें देखने होंगे और उसके ऊपर वो सस्टेन करता है नहीं करता, ब्रेक करता है कितना स्ट्रांगली ब्रेक करता है, क्या उसका मोमेंटम रहता है ऊपर की साइड में नीचे की साइड में, वो कुछ लेवल्स हैं। तो ये जो अभी लेवल्स हैं बीच में हैं, अभी बाइंग भी अभी हम नहीं कर सकते, सेलिंग भी नहीं कर सकते हैं, तो कुछ लेवल को और प्राइसेस के एक मूवमेंट को हमें थोड़ा सा अभी एनालाइज करना होगा आज के मार्केट में। हो सकता है 12-1 बजे के आसपास एक थोड़ा सा क्लियर हमें इंडिकेशन मिलने शुरू हो जाए कि आज इसका जो मोमेंटम है वो किस साइड रह सकता है। तो ये था मेरा गोल्ड पे आज का वीडियो, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।